अलका बरवाला जिला हिसार हरियाणा से आए हैं और वहां पे एक भ्रष्ट आदमी को हमने पता चला, भ्रष्ट आदमी को टिकट देने जा रही है कांग्रेस। और हम किसान, ये किसान नेत्री मातृशक्ति, सारे किसान नेता बरवाला हल्के से सारे किसान साथी हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ अरदास रिक्वेस्ट करने आए हैं। भाई उस भ्रष्टाचारी आदमी को आपने ही बोला था भाई, भ्रष्ट आदमी को टिकट नहीं देंगे। राहुल जी से, खड़गे जी से और दीपक बावरिया जी से हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि भाई आप भ्रष्टाचारी आदमी को टिकट ना दें, एक हल्के के ही एक ईमानदार आदमी को टिकट दें, एक किसान आदमी को टिकट दें। जो विनेश जी बजरंगी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात। लेकिन जो हमारी बात है, राहुल जी ने बोल रखा है भ्रष्ट आदमियों को टिकट नहीं देंगे। बरवाड़ा हल्के में बिल्कुल भ्रष्ट आदमियों को टिकट देने की तैयारी हो रही है। और ये देखो, ये उसका FIR कॉपी है जो लिफाफे में बंद करने जा रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेगी ये बरवाड़ा हल्के की जनता। क्यों भाई, ये देख लो आप। कितने लोग आपके समर्थन में आए और आप अपना नाम एकत्र? मेरा बिल्कुल, मेरा जोगिंदर मैयड़ किसान नेता मैं हूँ और पूरे हजारों की संख्या में आपके सामने, ये आपके सामने, आप ये मीडिया घुमा के देख सकते हो, हजारों की संख्या में एक आवाज के ऊपर यहाँ पहुँच गए हैं। और उसके बाद भी अगर टिकट देती है तो वोट तो मारे हैं भाई, हम कांच काट देंगे बड़े बिल्कुल। किसान एकता, किसान एकता। आप लोग दफ्तर का घेराव कर रहे हैं, क्या मांगा राहुल? फोन से बात करें आपसे राहुल गांधी? हमने कोई दिक्कत को नहीं, कोई भी बात करो, राहुल जी बात करो, खड़गे बात करो, दीपक बावरिया हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, वो बात करो, हमारी सुनी जाए, हमारी सुनी जाए और हमारी जो ये मांग है वो पूरी करी जाए।